आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। केमास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें केमास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं खबरों की। ये आए दिन जो इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, इस पर आप थोड़ा सा, हम जानना चाहते हैं कि आप विपक्ष में हैं, बड़ी मजबूती के साथ आप, तो इस पर कुछ ऐसा अंकुश लगे कि इस तरीके से अप्रिय घटना होने से बचे विधायक। सबसे पहले जिन हमारे साथियों का भीषण एक्सीडेंट में देहांत हुआ है, और इस घटना को सहने के लिए, उनके परिवार के मनोबल को बढ़ाने के लिए, मैं श्री दिलीप राजभर जी के यहाँ गया, श्री राम आश्रय यादव जी के यहाँ गया, और जो हमारे भाई घायल हैं श्री महेंद्र यादव जी के यहाँ मैं बैठा हूँ, फिर इसके बाद राकेश पांडे जी का भी देहांत हुआ है, उनके यहाँ जाकर उनके परिवारों को मैं सांत्वना दूंगा। और जहाँ तक जो भीषण एक्सीडेंट पूरे प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि सरकारें तो बार बार जो है मीटिंग करके घोषणा भी करते हैं टीवी मीडिया अखबार में भी, और हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी ने भी बड़ा वादा किया, और इस समय सड़क सुरक्षा है वो जो चला रहे हैं योजना, तो कहीं कहीं इसलिए कमी आ जाती है कि जो शासन से निर्देश होता है तो उसके अधीनस्थ जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसका पालन नहीं करते, क्योंकि मैं भी परिवहन मंत्री था, पालन नहीं करते। और 20 फरवरी से विधानसभा सत्र प्रारंभ होने वाला है, और मैं मजबूती के साथ विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाऊंगा, इस पर सरकार कोई ठोस कार्य योजना चलाए जिससे जो बड़े बड़े एक्सीडेंट या भीषण एक्सीडेंट हो रहे हैं उससे बचा जाए, आम जनमानस जो लाइव जिंदगी एक सेकंड में समाप्त हो जा रही है जिससे वो रुक। विधायक जी, जैसा कि आज के परिवेश में अक्सर आए दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, अक्सर इसमें नशा से, थोड़ा सा ये सरकार को क्यों लगता नहीं कि इस पर थोड़ा सा अंकुश लगे कि ड्राइविंग करते समय या चलते समय? देखिए, सरकार को राजस्व से मतलब है, आम पब्लिक से मतलब नहीं। अगर आम पब्लिक से मतलब होता तो जरूर इस पर वो कंट्रोल करते हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मतलब सरकार राजस्व के चक्कर में जगह जगह जो है दुकानें खुलवा रही हैं, तो उससे हमारे आम जनमानस में बड़े पैमाने पे जो यूथ में नशा थोड़ी बढ़ रही है, बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए। लेकिन सरकार को इस पर भी तो गौर करना चाहिए, इस पर भी सोचना चाहिए कि अगर वो दुकानें खुल भी रही तो टाइम बाउंड वो दुकानें बंद भी होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। लेकिन सरकार को राजस्व से मतलब है, आम जनता से नहीं, उसके सुरक्षा से। ये मृत हुई है, विशेष करके जो चालक ड्राइवर थे वो राकेश पांडे जी, लोग यहाँ के लोग या जो स्थानीय लोग बताते हैं बड़ी दयनीय स्थिति उनकी आर्थिक है, तो आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं कि ऐसे परिवार के लिए, आप क्योंकि विपक्ष में हैं, आप उन ऐसे लोगों के लिए कुछ आप ऐसी ठोस मांगे लाएं ताकि ऐसे लोगों को मदद मिल सके। देखिए, जो हमारे बीच में आज कादीपुर विधानसभा के हमारे जो तीनों साथी नहीं हैं, प्रयास से किया जा रहा है शासन से, सरकार से, कि कृषक बीमा दुर्घटना के अंतर्गत उनको जो है मुआवजा दिलाया जाए, पारिवारिक लाभ योजना। हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति जी, संजय राजभर जी, अनिल यादव जी, रमा शंकर जी सारे, और माननीय पूर्व विधायक जी अनिल रानी सारे लोग लगे, और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वो सुविधा मुहैया कराया जाए। और साथ ही साथ हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी डिमांड करेंगे कि मृतक परिवार के भरण पोषण के लिए विवेकाधीन कोष से आर्थिक मदद दिलाए।